यूपी में 10 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। आपको बता दें, गुरुवार को पश्चिम यूपी के 11 जिलों के 58 सीटों पर वोट डाले जा रही है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक देखी गई। चुनाव प्रचार का शोर मंगलवार शाम को थम गया था। पहले चरण के चुनाव के लिए क्या तैयारी है, किन जिलों में वोटिंग की जा रही है, सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम है, यह देखते हैं। पहले चरण में जिन जिलों में मतदान होना है उनमें शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा है। इन जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। कैराना, थाना भवन, शामली, बुढ़ाना, चर्थवाल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, खतौली, मीरापुर, सिवालखास, सरधना, हस्तिनापुर, किठोर, मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण, छपरौली, बडौद, बागपत, लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर, धौलाना, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, स्याना, अनूपशहर, डिबाई, शिकारपुर, खुर्जा, खैर, बरौली, अतरौली, छर्रा, कोल, अलीगढ़, इगलास, छाता, मांड, गोवर्धन, मथुरा, बलदेव, एतमादपुर, आगरा कैंट, दक्षिण आगरा, आगरा उत्तर, आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सिकरी, खैरागढ़, फतेहाबाद और बाह। पहले चरण में कुल 623 उम्मीदवार चुनाव मैदान में, 810 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। सबसे ज्यादा 15-15 उम्मीदवार मुजफ्फरनगर और मथुरा सीटों पर हैं। सबसे कम 5 प्रत्याशी अलीगढ़ के इगलास सीट पर हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में पहले चरण के 58 सीटों में से भाजपा ने 53, सपा और बसपा ने 2-2 और 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल ने जीती थी। पहले चरण में लगभग 2.27 करोड़ मतदाता वोट डाल रहे हैं। पहले चरण के मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था चुस्त की गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 412 कंपनियों के लगभग 50,000 जवानों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है। पुलिस ने राज्य की सीमाओं को सील कर दिया। शांति बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है। अधिकारियों ने बताया, हरियाणा और राजस्थान की सीमाओं पर गहन सतर्कता बरती जा रही है। वाहनों के नंबर को नोट किया जा रहा है। इसी के साथ फिलहाल की खबरों को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और साथ ही यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आदर्श भारत टीवी को सब्सक्राइब करें।